मुंबई पुलिस को सलाम। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, आपका जो कार्यालय पे जो कांग्रेसियों ने रात को 2 बजे जो हमला किया था, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, कांग्रेसियों का काम ही है तोड़फोड़ करना। सही मायने में मैंने क्या कहा कि प्रियंका का जो हस्बैंड वाड्रा है वो अपराधी है, बेल पर है। राहुल गांधी बेल पर है, सोनिया गांधी बेल पर है नेशनल हेरल्ड के केस में। तो गुनहगार है या नहीं है? तो अगर गुनहगार है और उनको वो ईडी के ऑफिस में और पुलिस के ऑफिस में, सपोज करो कि मैं एक अपराधी को मेरी कार में बिठाकर एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में लेके जाता हूँ जहाँ उसका इंट्रोगेशन होने वाला है, तो जब वो मेरी गाड़ी से उतरेगा तो पुलिस वालों को एक मैसेज जाएगा कि ये मिनिस्टर का आदमी है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो धमकी दे रही है ईडी को, सीबीआई को। और दूसरा, आज देखिए, मैं यहाँ शुभ काम के लिए आया हूँ। क्या शुभ काम है? उद्घाटन है। अगर मैं ऐसे काम में किसी गलत आदमी को बिठा के गाड़ी में बिठा के लाऊं, हाँ, तो अब सुकून हुआ ना? तो सही आदमी को सही जगह बिठाना चाहिए। तो उस दिन प्रियंका जी अपने ऑफिस का पहली बार बैठने जा रही थी, तो प्रियंका जी से मेरी यही उम्मीद थी कि उस दिन वो किसी गलत आदमी को, जो भले उनके पति हो, ईडी के ऑफिस में जाते हुए नहीं जाना चाहिए था, जाना चाहिए था तो किसी मंदिर के हो वहाँ होते हुए जाना चाहिए था। माता जी के मंदिर की ओर जाते, हनुमान जी मंदिर, वहाँ दर्शन करती। खैर, वो करेगी नहीं, क्योंकि उनका तो उन्होंने खुद स्वयं बोला है कि वो मंदिर में नहीं जाते, इटालियन है, क्रिश्चियन है, तो मंदिर में नहीं जाएंगे। मैं मानता हूँ तो कम से कम चर्च में होके जाते। अभी आज देखिए, यही थे जो मध्य प्रदेश के चुनाव में उन्होंने 10 बार जनोई पहनी। अभी राहुल गांधी जनोई क्यों नहीं पहनते? फोटो खिंचवाने के लिए जनोई पहनी, फोटो खिंचवाने के लिए उज्जैन में दर्शन चले गए, अभी क्यों नहीं जाते? हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है जनोई पहन के। ये बात उचित नहीं है। और हिंदू इतने मूर्ख भी नहीं है कि तुम जनोई करोगे तो मूर्ख बन जाएंगे। ये बातें, हमारा कहना है कि मूर्ख मत बनाइए, सच्चाई जनता के सामने आने चाहिए। और ये महामिलावट सब हुई है, मास गठबंधन नहीं है, ये महामिलावट है। अगर कोई सही आदमी ने सत्य बोला है तो मुलायम सिंह जी ने कल लोकसभा में बोला है कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किए, जनता की सेवा की है। जब भी हमने, ये एक सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी हमने काम बताए तब नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किए। सबका साथ सबका विकास, हिंदुस्तान का इतना बड़ा राजनीतिज्ञ सच बोलता है। इससे मुझे लगता है कि सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो गई है। और आने वाले मैं आपसे लिख, आपके माध्यम को बोलता हूँ, आज की तारीख टाइम लिख देना, माताजी मंदिर के सामने भारतीय जनता पार्टी की 405 सीट आएगी, 405। ताली बजाओ जोर से और मैसेज दे दो दिल्ली को, 450, 450। और मैं आपको सच बोलूं, ये माता जी के मैं आंध्र प्रदेश का प्रभारी था पिछली बार, और तेलंगाना का, दोनों का। मैंने स्वयं कहा था कि 300 से ऊपर सीटें आएगी, 328 सीटें आई, आई कि नहीं आई? तो अपने वचन जो है ना वो सत्य है। मतलब आपको सच बोलने का वो जो मुआवजा दिया गया, वो आप सच बोलने का मुआवजा कांग्रेस जी ने आपको दिया, इसलिए वो 2 बजे, हाँ, तो वो पत्थर मारे, मेरा मुंह काला किया। काला मुंह उनका होता है, जो दूसरों का मुंह काला करते हैं ना, उनका मुंह काला होता है। रात को आए, और हम कोई गुंडे थोड़ी है, दिन को भी आ जाओ। उन्होंने मेरे बोर्ड के पत्थर मारे और साथ में मेरे विरुद्ध नारे लगाए। तो बड़े आदमियों के विरुद्ध नारे लगते ही रहते हैं, इसका मतलब मैं बड़ा हूँ। राज जी ने कहा है कि जो सच बोलने के वाले हैं उनके ऊपर इसी तरह से हमला होता रहेगा, और आने वाले समय में पार्टी की 405 सीटें आएगी, ऐसा उन्होंने विश्वास दिखाया है।